Hello student, in this class we are going to see from unit 2 eating for weight control, a healthy weight. Okay. In this slide we can see the meaning of healthy weight. Healthy weight kya hota hai, dekhe. Usually an individual who has healthy weight leads a healthy life with a reduced risk of diseases. It means that if an individual has a healthy weight, he can lead a healthy life. On the other hand, if an individual has an unhealthy weight, be it underweight or overweight, he or she is not able to lead a healthy life. Healthy life matlab weight kya hota hai, jab ek person ke paas ek healthy weight hota hai, healthy weight ke sath wo jee raha hai, to uska life mein जो बीमारी का या डिजीज़ का वो रिस्क जो होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है. तो जिसके साथ वो एक हेल्दी वेट के साथ वो लाइफ जी रहे हैं, वो बहुत ही एक हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है. ठीक है, जिसके पास नहीं है या ज़रूरत से कम है वेट, बॉडी वेट या बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसके साथ वो हेल्दी लाइफ जीने में मदद नहीं करता है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वो क्या बता रहा है, ए हेल्दी वेट इज़ कंसीडर्ड टू बी एन टू बी द वन दैट इज़ बिटवीन 19 and 25 BMI. ओके, क्या है BMI, मतलब समझ में आ रहा है, बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स का जो हेल्दी जोन है वो होता है 19 to 25. इन बिटवीन 19 to 25 जो जोन आता है वो होता है हेल्दी जोन. इसमें जो भी बंदे या जो भी इंडिविजुअल इसके अंदर रहता है वो होता है हेल्दी पर्सन. ठीक है, तो नेक्स्ट इन दिस स्लाइड यू कैन सी मेथड्स टू नो healthy weight row, height and weight served. It means weight height के हिसाब से कितना body weight होना चाहिए, यह सर्व देख के तुम लोग जान पाओगे कि वो healthy है कि नहीं, या मैं healthy हूँ कि नहीं वो भी जान पाऊँगा. क्या देख के, जो मेरा height है, height यहाँ पर लिखा हुआ है इन सेंटीमीटर, और उसके साथ साथ जो body weight है वो भी लिखा हुआ है कितना होना चाहिए. या मैं और मैं जब कैलकुलेट करूँगी बॉडी वेट, जब मैं देखूँगी या मेरा हाइट देखूँगी, तो उसके हिसाब से मैं देख पाऊँगी कि यहाँ पर मैं हेल्दी हूँ कि नहीं. तुम लोग भी जान पाओगे ये देख के. ठीक है, मेथड टू कैलकुलेट BMI कैसे कैलकुलेट करता है. BMI फुल फॉर्म इज बॉडी मास इंडेक्स. ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, ये क्वेश्चन में आ सकता है. और BMI जब तुम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके तुम लोग निकाल सकते हो. तो यहाँ पर हेल्दी BMI फॉर बोथ वोमेन एंड मैन. ठीक है, यहाँ पर हेल्दी BMI दिखा रहा है, मतलब BMI कितना होने से हेल्दी जोन में आता है, कितना होने से अंडर वेट में जाता है, कितना होने से ओवर वेट दिखाता है, कितना होने से ओबेस दिखाता है. यहाँ पर दिखा रहे हैं, पहले हम लोग वोमेंस को देखते हैं. अंडर वेट कब से होता है, बिलो 18.5 से नीचे जो रिजल्ट आते हैं वो होते हैं अंडर वेट. एंड देन हेल्दी जोन कौन सा है, 18.5 to 24.9, इसके अंदर जो भी आता है रिजल्ट वो होता है हेल्दी जोन. ठीक है, ओवर वेट 25.0 टू 29.9 वो होता है ओवर वेट. ओबेसिटी कब माना जाता है, जब 30 जब होता है वो होता है ओबेसिटी. ठीक है, तो इसमें मेंस का भी सेम ही है. तो यहाँ पर वही चीज़ दिखा रहा है, सिर्फ यहाँ पर वो लास्ट में जो है ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3 वो दिखा रहे हैं. और हम लोगों को किस में रहना चाहिए, नॉर्मल वेट. नॉर्मल वेट कहाँ है, 18.5 to 24.9 वो होता है हेल्दी जोन
जब हम लोग यहाँ इसके अंदर रहते हैं वो उसको माना जाता है हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो इन दिस स्लाइड यू कैन सी मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। ठीक है, हेल्दी बॉडी वेट कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, सेट एप्रोप्रिएट गोल। ठीक है, तुम लोग पहले ही हम लोगों को सेट करना चाहिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग वेट गेन करना है या हम लोग को वेट घटाना है। ठीक है, या कितना गेन करना है, कितना घटाना है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, या 3 मंथ के अंदर कितना घटाना है, या 6 मंथ के अंदर कितना घटाना है, 1 ईयर के अंदर कहाँ तक पहुँचना है, ये सब करने के लिए हम लोगों को एक अप्रोप्रिएट गोल होना चाहिए। गोल ही हेल्प करेंगे कि हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, और हेल्दी वेट कंट्रोल करने के लिए हम लोगों के पास एक अप्रोप्रिएट गोल होना चाहिए। ठीक है, और इसमें तुम लोग जब गोल डिसाइड करोगे, हम लोग जब एक गोल डिसाइड करोगे तो हम लोगों को पता होना चाहिए हम लोगों का कैपेसिटी क्या है। ठीक है, हम लोगों का लिमिटेशन क्या है। ठीक है, मैं एक ओबेस पर्सन हूँ, पकड़ लो एग्जांपल, मैं एक ओबेस पर्सन हूँ, मैं इतना भी अच्छे से तुम लोगों के जैसे हम लोग एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे लिए मुझे वेट कंट्रोल करने के लिए, मैं हेल्दी जोन में आने के लिए हो सकता है कि मुझे बहुत दिन लग सकते हैं, जैसे कि 1 ईयर भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड लिमिटेशन यू हैव टू सेट ए गोल। ओके, नेक्स्ट, ले स्ट्रेस ऑन द हेल्थ नॉट ऑन वेट। यहाँ पर क्या है, मतलब हम लोगों को BMI जो रिजल्ट है वो हमेशा हम लोगों के पास रहना चाहिए, हम लोग वो चेक करना चाहिए। जो हेल्दी जोन है 18.5 टू 24.9, उसके अंदर हम लोग है कि नहीं वो चेक करना चाहिए, और उसके जब वो उससे कम होता है, 18.5 से कम होता है या 24.9 से ज़्यादा होता है, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग हेल्दी हों कि नहीं और हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, कट योर कैलोरीज। कट योर कैलोरीज मीन्स कीप ए प्लान रेडी टू गेट बैक ऑन द ट्रैक इफ योर बॉडी वेट बिगिंस टू एक्सीड द रिक्वायर्ड लेवल। ठीक है, जब हम लोग BMI चेक करते हैं तो हम लोग पता चल जाता है कि हम लोगों का बॉडी वेट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, तब हम लोगों को क्या करना है, तो जो कैलोरी हम लोग इंटेक कर रहे हैं, जो खाना हम लोग खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हम लोग ले रहे हैं, या जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं, वो कैलोरीज हम लोग को रिड्यूस कर देना है। ठीक है, क्वांटिटी रिड्यूस करने से हम लोग का बॉडी वेट कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज के साथ, एक्टिविटी के साथ, हम लोग को एक प्रॉपर डाइट जब हम लोग के पास होंगे तो वेट कंट्रोल में रहने में मदद करता है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल मींस क्या है, समझ में आ रहा है सबको मे बी? तो हम लोग सुबह उठ गए, ठीक है, हम लोग थोड़ा वर्कआउट किया या फिजिकल एक्टिविटीज़ किया, एक प्रॉपर टाइम में हम लोग खाना ले रहे हैं। ठीक है, कोई खाने में ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे वो वेट कंट्रोल में रहने में वो मदद करता है। जैसे कि एक्टिव लाइफ क्या होता है, मैं 100 मीटर मुझे जाना है, 100 मीटर डिस्टेंस में मेरा स्कूल है। ठीक है, तो मैं बाय वॉकिंग भी मैं जा सकता हूँ। ठीक है, कम से कम मैं एक साइकिल यूज़ कर सकता हूँ, ये नहीं कि 100 मीटर जाने के लिए मैं वो टेम्पो में हो या कार में कोई पैसा दे के मैं जा रहा हूँ 100 मीटर। ठीक है, वो होता है एक्टिव लाइफस्टाइल। हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, वो होता है एक्टिव लाइफस्टाइल, वो मदद करता है वेट कंट्रोल में रहने में। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तुम लोग देख लो, देख लेना बाद में।
bring out support. ठीक है, support means क्या है, guidance. ठीक है, हो सकता है कि किसी का वो आइडिया नहीं है कैसे वेट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, जब तुम लोग जिम में जाओगे या कोई फिटनेस सेंटर में जाओगे, वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होगा वो एक प्रॉपर शेड्यूल तुमको बना के देगा. ठीक है, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ तुम लोग को वर्कआउट करेगा तो, या एक डाइट शेड्यूल दे देगा तुम लोग को. तो उससे क्या होता है, तो रेगुलरिटी या प्रॉपर एक शेड्यूल के साथ तुम लोग जब जाओगे तो वेट कंट्रोल करने में या जल्दी वो पोजीशन में आने में मदद करता है. वो सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो योगिक एक्सरसाइजेस, योगिक एक्सरसाइजेस जब ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, जो लास्ट में हम मतलब कुछ दिन पहले योगिक एक्सरसाइजेस हम लोग लाइफ के लिए वो सब ओबेसिटी रिड्यूस करने में या वेट लॉस करने में या वेट गेन करने में मदद नहीं करेगा ये सोच रखा था उस टाइम. लेकिन अभी रिसर्च के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं कि योगिक एक्सरसाइजेस हेल्प करते हैं वेट कंट्रोल करने में. ठीक है, जैसे कि प्राणायाम हो गया, ठीक है, योगिक आसनास हो गया, वो सब हेल्प करता है एक हेल्दी वेट कंट्रोल में रखने में. ठीक है, नेक्स्ट अवॉइड फैटी फूड. वाओ, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि नहीं. तो देखो अवॉइड फैटी फूड्स क्या है, हम लोग जब फूड कोई भी फूड ले रहे हैं तो उसमें हम लोग ये दिमाग में रखते हैं हम लोग को कि क्या ले रहे हैं हम लोग. ठीक है, कुछ भी मिल गया, कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं कि कितना कैलोरीज हम लोग इंटेक कर रहे हैं. हाँ, राइस कितना ले रहे हैं, घी कितना ले रहे हैं, चिप्स कितना खा रहे हैं, है कि नहीं. हाँ, ये सब मतलब अवॉइड फैटी फूड, फैटी फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए हम लोगों को. ठीक है, नेक्स्ट अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड. ठीक है, तो इसमें क्या है, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कुकीज, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करना चाहिए. तो उससे हम लोगों का वेट कंट्रोल रहने में मदद करता है. नेक्स्ट अवॉइड ओवर ईटिंग. ठीक है, ओवर ईटिंग मतलब हम लोग कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग डेली. ठीक है, हम लोग जिम जा रहे हैं या फिटनेस सेंटर जा रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ भी खेल रहे हैं, तो हम लोग कितना कैलोरीज हम लोग बर्न कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कितना हम लोग ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि 2000 कैलोरीज हम लोग बर्न किया, एग्जांपल 2000 कैलोरीज हम कोई भी एक्टिविटी करके बर्न किया या एक्सपेंडिचर किया, तो हम लोग को कितना इंटेक करना है, 2000 कैलोरीज ही इंटेक करना चाहिए. उससे थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो जैसे कि 2100 हम लोग कैलोरीज इंटेक किया, तो उससे क्या होता है, वो 100 जो ग्राम है उससे डे बाय डे वो इंक्रीज होके वो फैट्स में कन्वर्ट होता है, वो वेट गेन करने में, वेट या कंट्रोल जो रहता है वो ब्रेक करने में मदद कर देता है. तो हम लोगों को क्या करना है, जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इंटेक. ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हम लोगों को इंटेक करना है. चलो नेक्स्ट, डोंट ईट स्मॉलर मील्स फ्रिक्वेंटली. इस क्या बता रहा है इसमें, यू शुड नॉट फॉर्म ए हैबिट ऑफ ईटिंग स्मॉलर मील्स फ्रिक्वेंटली. सो अवॉइड ईटिंग स्मॉलर मील्स फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड एडिंग एक्सेस फैट टू द बॉडी. ठीक है, हम लोग प्रॉपरली हम लोग खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, हाँ लंच भी कर रहे हैं प्रॉपरली, या क्या बोलते हैं वो डिनर भी हम लोग कर रहे हैं प्रॉपरली. ठीक है, तो उसके बाद भी कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ कुछ भी खा लिया, हाँ कहीं पे कोई कुछ दे दिया तो वो भी खा लिया, तो उससे क्या होता है, वो फैट्स मतलब बॉडी के लिए वो कंज्यूम होने में मदद कर देते हैं, तो वो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है. अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड. ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा
क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, वो कंपोनेंट्स वो सब हम लोग थोड़ा कम कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट इज़ द मतलब क्या होता है, क्या बोला था लास्ट टाइम, कार्बोहाइड्रेट सबसे एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है बॉडी का। तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा है, जैसे कि राइस हो, पोटैटो हो, शुगर हो, हाँ वो सब, चॉकलेट्स हो, वो उन सब का क्वांटिटी थोड़ा कम कर देना चाहिए, ठीक है। डोंट स्किप मील्स, मतलब खाना अभी सुबह हम लोग को खाना चाहिए, थोड़ा ब्रेकफास्ट अच्छे से करना चाहिए था, या लंच इतने टाइम में खाना चाहिए था, वो स्किप हो गया, तो कुछ काम के कारण या कहीं पर जा रहे थे तो उसके कारण हम लोग को स्किप हो गया। तो जब हम लोग स्किप कर देते हैं कोई भी खाना या टाइम, तो उससे क्या होता है, बाद में हम लोगों को ज़्यादा हंग्री हो जाते हैं हम लोग, तो उस टाइम ज़्यादा खाना इंटेक कर देते हैं हम लोग, ठीक है। उससे हम लोगों का जो बॉडी के लिए जितना चाहिए था उससे ज़्यादा हम लोग खा लिया ना, तो उससे फैट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं या बॉडी वेट हम लोगों का बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़। वाह, ये पॉइंट मैं सोच रहा हूँ कि बोलना ज़रूरत नहीं है। तो रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है वेट कंट्रोल रखने में, रखने के लिए। जैसे कि हम लोग अभी ये कोरोना के टाइम हम लोग कहीं पे जा नहीं पा रहे हैं, कहीं पे खेल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना है हम लोगों को, घर में ही कुछ एक्टिविटीज़ बाय सीइंग यूट्यूब या किसी का गाइडेंस लेके, या हम लोगों को खुद को ही वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, या हम लोगों को खुद को ही वो फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्सरसाइजेस हम लोगों को करना है, तभी तो हम लोग एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, बैलेंसिंग द इनटेक एंड कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। मैंने पहले बोला था, मतलब सिंपल है, जितना हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उतना ही हम लोग लेना चाहिए, ठीक है। जो भी कैलोरी, जितना भी अमाउंट हम लोग एक्सपेंडिचर किया उतना ही अमाउंट हम लोग को इंटेक करना है। वो जो बैलेंस है वो हमेशा, मतलब रेगुलरली वो मेंटेन करना, बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये बहुत आसान पॉइंट है ये सब, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, हम लोग आज क्या देखा, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल ए हेल्दी वे, ठीक है। तो विल सी अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड सेफ।